अगले बुलारे साढ़े इतने लोकल हरमन प्यारे हैं सरदार जगमोहन सिंह हुणी जो कि सदा ही संगत दे विच विचरदे हन प्यार वरतौंदे हन ते इस गुरु घर विच काफ़ी संगत नाल गुरबाणी का विचार करते हैं। वो 1971 तो इतने सैन यूएस दे विच रह रहे हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन की है IIT दिल्ली तो MTech की थापड़ इंजीनियरिंग कॉलेज तो बी ही हैज़ ए MBA फ्रॉम पेपरडाइन यूनिवर्सिटी इन 1980। तो वो अपने विचार जो इस वेले वायलेंस तुसी देख ही रहे हो यूनाइटेड स्टेट दे विच लेटली काफ़ी पिछले महीने तो काफ़ी इतने सैन होजे दे विच भी एक्चुअली पिछले 10 दिनों दे विच 8 मौत वायलेंस करके हो गई हैं। सो वो गुरबाणी इस जग में चानण गुरबाणी आपां किदां गाइडेंस दिंदी है आपां गुरबाणी तो गाइडेंस लै के वो इस दा किस तरह टाकरा करना है उस दे बारे अपने विचार पेश करने हैं। मैं बेनती करता हाँ सरदार जगमोहन सिंह होना जो इतने आके संगतां नूं अपने विचार देन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिहड़े बुलारे ने मैं सुनिया उन्होंने सुन के लगता है कि काफ़ी चानण मेरे अंदर होया गुरबाणी जंगमे चानण क्योंकि उन्होंने चानण तो दास नूं तां आंदा कुछ नहीं। इस गुरु घर च कृपा मिली है गुरमुखी भी नहीं सी आती गी सो यह गुरु घर तो ही सीख के जिस तरह सतपाल जी कह रहे थे संगत दे विचों ही रह के ते संगत की कृपा नाल ही जे कुछ गुरु साहब अज बुलवाण गए वो इसे संगत की इस गुरु घर की कृपा के नाल ही बुलाए सन। कप जिहड़े हुणे दो तीन सवाल आए सी पूजा की डेफिनेशन मेरे गुरु नानक देव जी ने दिती है पूजा की डेफिनेशन गुजरी महला पहला पूजा की चीज है नाम ते आई है बिन नाम है पूज ना होई। फिर उस तो बाद जिहड़ी बोतल दे नाल गल हो रही सी कबीर दास जी ने भी की है उन्होंने की थी लौकी 68 तीरथ नहाई कौरापन तौ ना जाई। एक लौकी नु भेजता कोई आए कोई तीरथी कबीर दास जी को आओ जी तीरथ करना चलिए। कबीर दास जी कहते मेरे लौकी लै जाओ सारे तीरथां नहा के साल बाद आ गए तो कहते तीर लौकी नहाया कहें हाँ नहाया कहें आओ लंगर छकी इकट्ठे बैठ के लंगर छकिया तो उन्होंने कहा हूँ लौकी सारा लंगर छकन तो बाद कहते लौकी हूँ पीस गया ना सारे चटनी वगैरह बंट दो वो सारे मुँह कौड़े कहते की गल कहते बड़ी कौड़ी है इन्ना वधिया सी प्रशादा छकिया तो तुम कौड़ी चीज़ गुआती है कहते ने उहो लौकी है जेड़ी तीर्था दे नहा के आई है जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ सिया खनली धोती उजली ना होई जैसे धोवन पाए। पर की करिए एक किस तरह देखने काली की छुट्टी होएगी गुरप्रसाद ही जीवत मरे उल्टी होए मत बदला एक गुरु को ला के एक काला पानी जेड़ा चिट्टा हो सकता है एक किस तरह हो सकता है। ये सारी गल असी जो देखते पे हाँ क्योंकि जो असी मैं पिछले दो चार बुलावों ने सुने ना उन्होंने ही गुरु साहब जी इस शब्द सब्जेक्ट में डील कराना है। सतपाल जी करते पे सी गल चचा रचित्र चित्र है पारी तचेतो चेत तचित्रे चेतो चितकारी चित्र बचित्र है अवजेरा तचित्रे चित्राक्ष तेरा। ये केड़े चित्र की गल हो रही है असी असी देखिया है चित्र विस्कॉन्सन दे विच एक चित्र देख रहे हैं असी देख के सारे कहते मेरे की हो गया ये की हो गया। पर उस तो पहले मानयोग डॉक्टर साहब के दस रहे सी फिनामना की गल ते नोमैन अन्न की गल कदी पहले सुनी नहीं बड़े कमाल वो दसते पे सी कि ये जिस चीज़ अस देख रहे हैं उसके पिछे की हैगा उन्होंने देखना है। और सारी गुरबाणी ऐसी चीज़ देवे
तो कबीर दास जी भी जे सतपाल जी कह के गए ने चचा चर चित्र चित्र है भारी तत् चित्रे छड़ दो इनू तत् चित्रे चेतो चितकारी वो बनाने वाला कौन है उन्हें देखो कौन कौन है ये जड़ा होया है इज दैट गाय हु शॉट इज ही इज द वन असी बाणी च पढ़ने हाँ बाबर वाणी उदे च की कहते फिर गुरु नानक देव जी बेनती करांगा गुरबाणी जग में चानण से गुरबाणी तो चानण लेना है गुरबाणी कहती है खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष ने दे ही करते जम कर मुगर चढ़ाया वो अपने आप में दोष नहीं देता जम करके मुगर चढ़ाता है अपने आप तो नहीं चचा रचित चित्र है पारी ता चित्रे ए चित्र नु छड़ दे फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन दैट गुरुद्वारा ऑफ दैट डे जिस तरह डॉक्टर ने की कह रहे थी इहदे पिछे की है क्या उन वेख सो दैट्स व्हाट गुरु साहब इज गोइंग टू मेरे को जे करो करवा लैन दे ए चीज नु सी करना है ए वायलेंस डोंट लुक एट द हैंड द गाय हैज अ गन ही हैज एक्सेस टू द बॉम्ब डोंट लुक जस्ट ओनली एट दैट बट व्हाट इज बिहाइंड दैट उहदे पिछे की है हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पवे दजे नानका तरिए करमी लग उहदे पिछे कौन है गया उहदे अंदर की वर्त रहा है इहनू देखो इज इट फिनोमेना ऑफ टुडे मेरे गुरु साहब कहते हैं फॉरगेट इट स्टार्टेड फ्रॉम सतयुग किस तरह होया कहते ने दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया गिर तर जल ज्वाला कहते माया फेरी की होया प्रहलाद सतयुग हो जाया असं कहने सतयुग से बड़ा चंगा टाइम सी सतयुग की सी प्रहलाद इज हैपनिंग इन सतयुग दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर से औद घनेरी प्रहलाद दे फादर ही इज ए प्रिंस उसका फादर जड़ा है हरनाकश ही ओ कहता पे सारे पढ़ो जले हरनाकश थले शरनाकश वी आर टॉकिंग अबाउट द वायलेंस रिमेंबर दैट असीं उस चीज़ नूं कर रहे हैं गुरु साहब सानूं की सिखा रहे हैं यह गुरबाणी दसदी पई है कोशिश करांगा गुरु साहब मेहर करन इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट आई से व्हाट गुरु नानक देव से दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट कहते ने गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब कहते ने करसे औद घनेरी की मतलब औद मीन्स उम्र करसे एदा मतलब दी उम्र खत्म कर दो किल हिम डेथ सेंटेंस ए फाइव ईयर ओल्ड कैन यू इमेजिन दैट ऐसा सतयुग है इज दिस वायलेंस इज नॉट हैपनिंग कलयुग इट्स हैपनिंग इन सतयुग ए फाइव ईयर प्रिंस ए फादर एंड दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया करसे औद घनेरी एदी उम्र खत्म कर दो तो की कीता उन्होंने कहंदे ने गिर तर जल ज्वाला ही वॉज थ्रोन आउट अ माउंटेन ही वॉज थ्रोन इन टू रिवर ही वॉज थ्रोन इन टू फायर पर रब ने की कीता वाहेगुरु ने की कीता राजा राम माया फेरी ही चेंज दी उन्हां दे की सुभाव है द फायर च जो कुछ पाओ सड़ जांदा है पर उन्होंने प्रहलाद नूं पाया तो नहीं सड़िया इसे करके असी रोज पढ़ने हाँ हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद आया तराया अहंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुखलाया विल कम बैक टू नाम देव लिटिल बिट लेटर लेट्स कंटिन्यू ऑन सतयुग तो बाद आया त्रेता त्रेते च की होया लंका गढ़ सोने का पया मूरख रावण क्या ले गया अगे आ जाओ तुसी द्वापर च आ जाओ द्वापर च की हो रहा है महाभारत ही सुनने पर दीज आर ऑल गुरु ग्रंथ साहब इज टीचिंग अस अबाउट वायलेंस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी टॉकिंग अबाउट तो वो कहते पे ने महाभारत हो रही है दुर्योधन का मथ्या मान ये किस करके हुई सी तो
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਰਗੈਟ ਅਬਾਊਟ ਅੱਜ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਗ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਲ ਵੀ ਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਹਨੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਚ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਗਮੇ ਚਾਨਣ, ਹਨੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਦਿਸ ਵਾਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪੀਅਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਲ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਚਾਨਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਲ ਕੀਰਤ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਏ ਹੋ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਕਲ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਥਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਟੱਚ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਨ ਦਿਸ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂਡੇ ਵਿਦ ਬਾਮਸ ਐਂਡ ਗਨਸ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਹੈਪਨ ਕੋਲੋਰੈਡੋ, ਗੈਬੀ ਗਿਫਰ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿਦਾਂ ਪਇਓ ਕਾਓ, ਰੱਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਮਾਈ ਗੋਡ, ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਦੈਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ 2000, ਇਟ ਇਜ਼ 1500, 1400, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੈਟ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਦ ਕਿੰਗਸ ਆਰ ਲਾਈਕ ਟਾਈਗਰਸ, ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਸੇ, ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਲੀਪ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਲੀਪ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿ ਤਾਂ ਪਾਇਓ ਘਾਓ, ਆਲ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਆਰ ਲਾਈਕ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋ ਐਂਡ ਇਨਫਲਿਕਟ ਵੂਂਡਸ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਨੇਲਸ, ਐਟ ਦੀਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਇਟਸ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਨਾਟ 2000, ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ 1400, 1500, ਐਂਡ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਔਨ ਸਤਯੁਗ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਡੋਗਸ ਰਨ ਓਵਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਉਤਾਰਨੀ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣਾ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ, ਵੀ ਗਾਟ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਗਮੇ ਚਾਨਣ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ 9/11 ਦੇਖ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 9/11 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਵਨ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਪਾਣੀ, ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਦੇ, ਵਿਲ ਟੁੱਕ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਔਨ ਐਵਰੀ ਵਨ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟਿੰਗ ਵਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਇਨ 10 ਈਅਰਸ ਫਰੋਮ ਨਾਉ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਫੋਰਗਟ ਗਾਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਡਿਵਾਈਨ ਲਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਈ ਆਈ ਕੇਮ ਇਨ ਦਿਸ ਅਰਥ, ਦੇ ਫੋਰਗਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮੇਂ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜਲੇ ਕਾਬਲੋ ਤਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਮੇਂ ਲਾ ਲਓ,
अगे चल के कहंदे ने साहिब के गुण नानक गावे मास प्री विच आख मसोला। गुरु नानक जी कहंदे ने क्लोज माई आईस आई स्टैंड इन ए फील्ड इज इन 1400-1500 years ago, standing in this field. Field is full of dead bodies. उस वेले उठ के चले गए ने गुरु नानक देव जी, सारी दुनिया सियालकोट चो उठ के चली गई है, they are running away from the city. Guru Nanak is walking into Sialkot. Remember that, what we are supposed to do, Guru Nanak is teaching us in the case of violence. Guru Nanak Dev Ji is walking in there. Aur ki keh rahe ne? Sahib ke gun Nanak gaave. Maas puri vich aakh masola. Kehnde ne main utthe vi khada na, Vaheguru tere gun ga rahe ha. Dealing with violence. Gurbani is jag mein chanan. कल कीरत प्रगट चानन संसार असी वी आर इन पिच डार्कनेस इकी हो रहा है व्हाट इज हैपनिंग रिमेंबर दैट चचा रचित चित्र है पारी तचित्रे चेतो चितकारी उदे पिछे देखने खिंचन वाला कौन है व्हाई इट इज हैपनिंग गुरु नाल जुड़ जाइए गुरु दे शब्द नाल जुड़ जाइए कीर्ति नाल जुड़ जाइए तक समझ आएगी की हो रहा है व्हाट इज हैपनिंग क्योंकि ऐसे शब्द च उन्होंने कहा है कहते ने सच्चा सो साहिब असी कह रहे सी कि यह क्यों भुखमरी हैगी है अफ्रीका च ने लोग मर रहे हैं यह क्यों है गुरु साहब कहते ने सच्चा सो साहिब सच तपावस सचड़ा न्याव करेगा मसोला द गॉड इज ट्रुथ वाहगुरु इज ट्रुथ द डिवाइन इज ट्रुथ Such the powers, his justice is truth. And who are we to question? I am a kindergarten student and we are talking about the question of PhD level. Jis sahib so nahi chara, kije namaskara. Ode samne matha tek diye, odi gal nu man liye, hukum rajai chalna, nanak likhya naal. Kim sachyara hoiye, kim kude tutte paar, hukum रजाई चलना असी उत्थे की कंट्रीब्यूट कर सकते हैं की सेवा कर सकते हैं एक ऐ चीज दसी है हुण तुसी अगे आ जाओ वैन दिस ऑल दिस एट्रोसिटी टुक प्लेस ऑल दिस किलिंग टुक प्लेस दो शब्द ने आसा राग दे विच पहला है जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए सिंदूर से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़ राहो तो क्या कहते ने आदेश बाबा आदेश आद पुरख तेरा अंत ना पाया कर कर देखे बेस वाहेगुरु तू कमाल है एक किलर बन के आ जाना हाथ से गन फट के यू कम इन द प्लेन्स एंड यू स्टार्ट पुटिंग डाउन ऑल दिस टावर्स आद पुरख तेरा अंत ना पाया कर कर देखे बेस तू केड़े केड़े बेस आ जाने मैं वाहेगुरु नाथ जी कहते मैं हैरान हूं ना किड़ी किड़ी बेस आप बन के आ जाना आदपुरुख तेरा अंत ना पाया अगे चलो अगे चले अगले श्लोक च है शब्द है कहां सु खेल तबेला घोड़े कहते जो ऑल दिस किलिंग टू प्लेस वो जेडे है सी, सारे कहने अगों ते जे साहेब चेती है कायद मिले सजाए इफ यू रिमेंबर वाहगुरु ते तेन सजा क्यों मिलेगी कहते कहां सु खेल तबेला घोड़े कहां पेरी सहनाई कहंदे ने ए जग तेरा तू गुसाई वाहेगुरु ए तेरा जग है हु आर आई एम टू क्वेश्चन दिस वाई आर यू डूइंग दिस मैनू हिम्मत दे कि तेरे जेड़े भी हुक्म ने उन्हों मैं सच करके मन सका ए जग तेरा तू गुसाई यू आर द मैस्टर ऑफ दिस चचा रचित चित्र है पारी तचित्रे चेतो चितकारी चित्र बचित्र है अवचेरा दिस पिक्चर इज गोइंग टू पुट यू इन द रोंग प्लेस ए पढ़दा ए किलिंग जड़ी है ए तेनू वाहगुरु ने तोड़ देगी चित्र बचित्र है अवचेरा एदे नाल ना जुड़ तचित्रे
forget about this Wisconsin killing. Tachitre, chitrak chitera. O piche kon hai gai jinne kita hai. Unu chitr chitrak, te osra chal. Edha matlab asi kuch nahi karna. Asi baith ke dekhin, asi sare violence nu le lena. Nahi. साढ़े सारे की अलग अलग ड्यूटी लगी है, गुरु साहब ने अलग अलग ड्यूटी लाई है। साढ़े यंग बच्चे जिन्होंने सिस्टम का पता है, दे आर अचीविंग अ लॉट थ्रू सेलडेफ यूनाइटेड सिक्स सिख कोलिशन एंड बी प्राउड डॉट ऑर्ग। वाहगुरु उन्होंने होर हिम्मत दे, वो करन, वो इस चीज़ को देखकर समझ। पर एज ए सिख असी सिख बन जाइए। सिखी का मतलब है असी संत सिपाही बनना है। संत सिपाही ने ही इस मार्ग तो चल सकना है, क्योंकि जदों असी इस वायलेंस में असी अंडरस्टैंड करांगे तो साढ़े अंदर जिहड़ा वायलेंस नज़र आ रहा है, जिहड़ा मेरे ख्याल इंद्र मोहन जी गल कर रहे सी, इस देही अंदर पंच चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लूटे, मनमुख नहीं पूछे, वो चित्र दे नाल जुड़िया होया है। चचा रचित तेरे पास जितने गल करो, वो ये क्यों हो गया, ये किस तरह हो गया, वो गुरबाणी पिछे बोलो तुसी। मनमुख नहीं पूछे, कोई ना सुने पुकारा, गुरु नानक देव जी बार बार पुकार पुकार के कह रहे ने, कहो नानक कहो पुकार पुकार, कोई सुनता नहीं। जिन्हें सुने है उन्हें परमात्मा नाल, उन्होंने सब कुछ मिठा लगना है। ये विश्व संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, सच्चा सो साहेब सच तपावस, सचड़ा न्याय करेगी मसौला, वो सच्चा कर दिया गया। ये चार शब्द जिस वेले कोई वालन साढ़े सामने आवे, अपने बेनती करना, तीन शब्द आसा राज ने, पहला आंदा सर सस जिस सिर सोहन पट्टियां, दूजा कहाँ से खेलता बेला कोड़े, ते तीसरा जैसी मैं खसम खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, फिर तिलंग राज आ गया, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तीसरा करी ज्ञान में ला लो। अच्छा हूँ देखो, खाली हूँ वायलेंस ऐसे नहीं है खासी, हूँ देखो अगे थोड़ा चलिए, कबीर दास जी उन्हें तो बड़ा महापुरुष कोई हो सकता है, हाउ मच वायलेंस वॉज इनफ्लिक्टेड ऑन अपॉन हिम, उन्होंने कुछ किया सी, गलत किया सी, हाउ डिड ही डील विद दैट, दीज शब्द विल टेल अस हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। कबीर दास जी नो गंग गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध खड़े कबीर, रहावतुक नो देखो ध्यान, और असी उस अवस्था ते पहुंचना है, इफ वी वांट टू डील विद द वायलेंस इन दिस सोसाइटी, रिमेंबर दैट इवन इफ ऑल दीज किड्स who are doing all these things, secularization or be proud, organize, sare accomplish kar len, but you remember that what happened in Aurora, Colorado, it can still happen. That is not against six. We need to prepare ourselves for those things. We could be in the meeting with Gabby Gifford, in that meeting, it could be. So, oh jeez, fir Kavita ji kehnde ne, मन ना डिगे तन काहे को डराए, सारी खेड इस जगह तक रुक जाती है, साडा मन डिगदा और असी फिर डर जाने। डिगन डोलना तोलो जो मन के परमा, डंडौत बंधन क्यों अरदास करने, डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समत, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। असी क्यों करने, कहंदे ने इस करके, कहंदे ने तन काहे को डरा, मन न डिगे तन काहे को डराए, गंगा की लहर में टूटी जंजीर, जंजीर बांध कर फिर मृगशाला पर बैठे कबीर। होर अगे आ जाइए, असी गल की थी हर जुग जुग भगवत पाया, तो नामदेव जी गल की थी, नामदेव जी नाल कोई होया, नामदेव जी सुल्तान बांध ले नामा, देखो राम तुम्हारे कामा, मऊ की मरी हुई जी गां चवा दे, वो कहते नहीं एक तरह हो सकता है क्या,
सुल्तान पूछे सुन बे नामा देखो राम तुम्हारे कामा तू कहंदे ने उन्होंने चुका दे वो कहंदे ने किसना हो सकता है करे राम होए है सोए मेरे करके नहीं होएगा कहने नित्य तेरी गर्दन में काट देनी है isn't it violence this guy has not done anything कहने तेरी गर्दन काट देनी है ए मई मरी हुई गांव चुवा दे दीजा शब्द गुरु ग्रंथ साहब which teaches how to deal with violence ते की कीता कर नाम भगत नाम देव जी ने उस वेले दे के नाम कोई गन चुकी सी उन्होंने कोई मीटिंग की थी उन्होंने क्या सात घड़ी बीती सुनी अजी नो आयो राम राजा राम तो नहीं पाखन तन बाजे उस वेले आ गए सो गुरु साहब ने दसिया तदे असी पढ़ने हर जो जो भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हरनाकश दुष्ट मारिया प्रहलाद आया तराया अंकारिया निंदका पिट दे नाम देव मुखला ये दो बंदे असी याद करने हर वारी प्रहलाद ते नाम देव दोनों दे अगेंस्ट वायलेंस है हाउ दे डेल्ट विद इट सो दैट वी कैन लर्न हाउ टू डील विद वायलेंस और यह सब कुछ पूरा करने वास्ते हरिमंदर साहब के हुक्म नू सारे कृपा सब जोड़ी बेनती करने हैं गुरबाणी जगमे चानण वो गुरु साहब आप चानण बख्शते ने अज का हुक्म देखो इो गल करता पै गया अज का हुक्म कहता पै गया बिलावल महला पंजवा सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा वाहिगुरु मेरे करे असी भी ये शब्द नाल अंदर से प्रकाश कर सकने हैं साढ़े अंदर ही रतना की कोठड़ी पई है वह खुल के सानू तो कहना मालो माल कर देगी फिर असी कहांगे हम तनमंत भागट सचनाए हर गुण गावे सह सुभाए प्यू दादे का खोल डिटा खजाना तब मेरे मन पया निधाना रतन लाल जाका कछु न मोल परे भंडार अतूट अतूट अतोल खावे खर्च है रल मिल पाई तोट ना आवे पत्ते जाए कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लिया रलाए ये शब्द दे नाल असी ही वायलेंस असी डील कर सकने हैं ये सानू जांच गुरु साहब ने सिखाई है असी इस दे नाल ही जुड़ना है होइया बेअंत बेअंत भुलना बख्श देना मैं गुरु साहब अगर अरदास करना तू प्रभदाता दान मत पूरा हम थारे बेखारी जियो मैं क्या मांगू कि स्थिर न रहाई हर दीजे नाम प्यारी जी हुई भुला बख्श देना वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी थोड़े क्वेश्चन हैं पहला क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर डिड नॉट एक्सेप्ट इनजस्टिस दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट वायलेंस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय सम सिपाहीज यू सीम टू बी सजेस्टिंग अदरवाइज सिपाही बनना बड़ा सौखा है इन ओकलैंड दे गो थ्रू ए क्लास फॉर 9 months दे पुट ए गन इन देयर हैंड Still, violence is so much there. मेरे गुरु नानक देव जी ने 500 साल पहले चीज़ देखी क्योंकि उन्होंने देखा सी वायलेंस इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी वी हैव टू लिव इन टू दैट संत बनना बड़ा औखा है क्योंकि जिस तरह असी वो बोतल की गल कर रहे सी जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला हुआ स्या एक जनरेशन दे विच ए पानी नू साफ नहीं किया जा सकता ए काले मन नू साफ नहीं किया जा सकता इस करके मेरे गुरु साहब ने इनू वायलेंस नू डील करन दे बड़े तरीके दसे डू यू थिंक गुरु नानक जी दे अगे वायलेंस नहीं आया वायलेंस व्हाट डू यू थिंक वायलेंस इज द ओनली द वन विच यू हैव विद अ गन दैट इज कॉल्ड वायलेंस मेरे गुरु साहब ने कहा है वायलेंस कैन बी इन्फ्लिक्टेड मेनी वेज देयर आर 4 ways हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां आग घर बैठा जे कोई कोई बुजुर्ग बैठा है जे असी अपने बोली दे नाल भी उहदे नाल वायलेंस कर सकते हैं विदाउट रीचिंग सो गुरु साहब ने सानू संत बनाया है गुरु नानक दी जात गुरु नानक जी ने की कहा उन्होंने लोगों ने कोई कहे पूतना कोई कहे बेताला कोई कहे नानक नानक बेचारा
कोई आके नानक बेचारा, नानक बेचारा। सो उस तरह के किस तरह के किन्ना कुछ किया एंड हाउ ही डेल्ट विद दैट। अगे तुम सारे आ जाओ, पंजवें पातशाह ने खाली लेकिन यह चीज़ नहीं सी सारे के सोसाइटी वज अगेंस्ट टाइम, खाली यही नहीं किया कितना देखने मारने की कोशिश, सुली ते नारायण राख, उस तो पहले सुली भी आया है अंदर इन देयर ओन फैमिली। पृथ्वी चंद जी किन्ने अटैम्प्ट कर रहे हैं टू किल गुरु हरगोबिंद जी, इज इन दैट वायलेंस। हाउ गुरु नानक जी डेल्ट विद, गुरु अर्जन देव जी डेल्ट विद दैट। ये सब कुछ करके फिर उस बात धरती से भी बैठे ने, एक सवाल आया सी उदा मैं दसांगा, दास जो गुरबाणी तो सिर्फ समझ आई है कि उन्हें दर्द नहीं होया, उन्होंने पीड़ी नहीं हुई जब तत्ती तवी से बैठे सी। उदे वास्ते गुरु साहब ने सानू बाणी च दसिया जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख आएगा वायलेंस होएगी मनना नहीं गा। अच्छा फिर अगे चले जाइए, तलवार मीरी पीरी आ गई, मीरी पीरी आ गई। उस तो बाद सतवें पातशाह ने उन्होंने किया 2200 घुड़सवार रखने ने, क्यों पर लड़ाई हमला किसे नहीं करना, वट इज बीइंग ट्राइंग टोल, उस वे की हो रहा सी, ये महाभारत क्यों हुई, ये सच्चियां क्यों हुई। जिहड़े ओ ऋषि सी, ओ ऋषि जिहड़े सी अपने आप ओ तप नहीं कर सकते सी, आके जिहड़े दूत हैगे सी ओ आके उन्होंने मार के उन्हां दी देखने में उन्हां दी सारे कुटियां जिहड़ी जला जांदे सी। सो गुरु साहब ने दसिया पै कौ देत ने नह पै मन तान कौ नानक सुन रहे मना ज्ञानी ताहे बखान। ओ गुरु साहब दसते पे ने वी नीड टू बी फीयरलैस एंड नॉट फ्राइटन नॉट। फिर उस तो बाद गुरु साहब ने दसिया नौवें पातशाह ने दसिया असी हले भी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद डिप्लोमैटिक मीनस, पर जो ओ नहीं होया फिर गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं जुगार अज हमा हील ते दर गुजस्त, जो वैन ऑल एल्स फेल्स इट्स जस्ट टू रेज द सोर्ड। डू नॉट लुक सिखी ओनली फ्रॉम गुरु नानक और इन फ्यू गुरुज, वी हैव टू सी द होल पैकेज। विदाउट सीइंग द होल पैकेज, जिस तरह देखें मैं डॉक्टर अजय सिंह जी कह रहे मैं इतने बैठा वहां, कोई इस एंगल तो देख रहा, कोई इस एंगल देख, कोई उधर देख रहा, कोई पिछों देख रहा, बट दे कैन नॉट सी मी फुली। उस तरह ही जब तक असं पूरे गुरसिखी नहीं देखा तब तक असं वायलेंस समझ नहीं सकेंगे। Or always fight to get to rewrite the laws against crime, fight and talk to the government. Had the incident in Oak Creek involved a gang of white supremacists, would it have been okay to stop them using aggressive means, using arms? Beautiful. I'm glad somebody asked this question. I'm not giving... Dr. I.J. Singh has seen that I cannot give the direct answer. I'll try to beat around the bush. And I'll let you answer the question yourself because I want you to answer that question. Okay? I'll give you two examples. Two deaths took place. I'll describe that. Number one, we saw our very favorite Maskeen Ji. He left this world a few years ago. When he left, I'll describe that incident. And second incident, in Oak Creek, the president of that Gurdwara, he was killed. And we'll take this, I'll give you those examples. Maskeen ji jadon katha karde si, oh padde si saskari slok, hey pran nath govinde, kirpan nidhan jagat guru, hey sansar taap harne, karuna mein sab dukh haro. फिर कहते हैं अखीर जाके शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरन राम दामोदर माधवे। इफ आई एम हेल्दी और अनहेल्दी, ये जड़ा नाम सिमरन जड़ा सी गल कर रहे हैं, कहते हैं मेरे अंदर चलता रहे, देश बाबर मोहे हुए शुभ कर्मन ते करना, जब आपकी औध निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरो, अवेयरनेस की गल हो रही है जी क्वेश्चन है। एंड यू नीड टू ड्रॉ दिस आंसर आउट ऑफ दिस। कहते पे ने एक वायलेंस मतलब लड़ाई जो बिकॉज ऑल अवर एंड विल्स गोन कम, आपके औद निदान बने अ
अत ही रण में तब जूझ मरो। हुन मस्कीन जी रण च जूझ मर रहे हैं, किस तरह? क्योंकि उन्होंने तैयारी की थी है, हर वेले उन्होंने मुंह चेगा सी। जब आपके जब शरीर स्वस्थ खीण समय से मृत राम दामोदर माधव, आई एक्सेप्ट, आई नो आई विल गेट अनहेल्दी, आई कैन नॉट रिमेन हेल्दी फॉर एवर, आई एम गोइंग टू गेट अनहेल्दी। वाहिगुरु, कोई टाइम आएगा मैं आज गुटका नहीं फड़ सकांगा, मेरे कन्ना तो बाणी नहीं सुन सकेगी, अखा नहीं चलन गिया, अखा नहीं खुल सकन गिया, बैठ तो नहीं उठ सकांगा। उस वेले वाहिगुरु तेरा मेरे ते कृपा कर, सिमरन चलता रहे। ते उन्हां दे नाल जिहड़ा साथी सी ना, उन्हें कहा डॉक्टर नूं बुलाइए। कहिंदे ने डॉक्टर नहीं बुलाने की जरूरत, समय आ गया, हुण वाहिगुरु नूं याद करने। एंड सतपाल सिंह, आई थिंक वॉज द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ द गुरुद्वारा, सतपाल सिंह, सतवंत सिंह, सतवंत सिंह जी। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं, जब आपकी औद निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरो। मस्कीन जी भी जूझ के मरे ने। अच्छा, सतवंत सिंह जी उस वेले जिस वेले टाइम आ गया, वेन ही न्यू कि हुण मैं कुछ नहीं कर सकता, उस वेले एक गुरु साहब ने कृपान सानू इसे करके बख्शी है। वाहिगुरु ने चित चरा के ही टुक इट अपॉन दिस एंड ही फॉट टू द लास्ट मोमेंट। हुन फाइटिंग एक खाली एक कृपान दे नाल, गन दे नाल, लॉज चेंज करने दे नाल नहीं हैगी, क्योंकि एक होर लड़ाई हैगी है जिहड़ी मस्कीन जी ने लड़ी। वो लड़ाई भी सानू रणनी पैनी है, उदे वास्ते तैयारी करनी पैनी है। जिन्हें वो तैयारी कर ली है वो ही उस वेले कृपान कढ़ के उदे जड़ा मार किलर है उन्हें लड़ सकता है। जिन्हें तैयारी नहीं की थी, उस वेले नहीं कर सकता, वो पिट से दौड़ेगा, उदे पिछे गन वजेगी, ये सामने वजी है, इस तो पता लगता है इन्होंने तैयारी की थी सी। रहाओ जिहड़े विद्वान दसदे ने, मैं विद्वान पहले कोई नहीं दसना चाहा, ये जो पढ़ पढ़ के संगत दे विच सुन सुन के बड़े विद्वाना ना सुन सुन के और गुरु ने जो कृपा की है। रहाओ इन इंग्लिश से पॉज, ठहर जाओ। हुण असीं उही शब्द लै लईए जिहदे च सी, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवै धूड़। हैं अगे चल कहिंदे ने, आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत न पाया, कर कर देखे बेस। ए रहाओ तो कह, आदेश बाबा आदेश। इमेजिन दैट सिचुएशन इज, देयर सो मेनी पीपल आर किल्ड, सो मेनी वुमेन हैव बीन रेप्ड एंड दे कैन नॉट गो बैक टू देयर पैलेसेस। ते गुरु साहब की कह रहे हैं, आदेश बाबा आदेश, मीन्स आई सैल्यूट यू, आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखे बेस। ओ रहाओ तो कह गई है, गुरु साहब सानू दसदे पए ने असी उस परमात्मा नाल जुड़ना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट सिचुएशन इज। मैं किसी विद्वान ने दसिया सी कि ए नाम सानू इस जगह ते ले जांदा है कि जिस वेले डिफिकल्ट टाइम आ जांदे ना, उस वेले भी सानू वो मिठा लगता है। मैं कहा डॉक्टर ने की दसते पए सी, ये सानू वो प्रिपेयर करता है। हुण मौत भी आ जाए, मस्कीन जी उस वेले भी कहते पे ने, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डॉक्टर, बेरी की होगी, ओ जल्दी 911 नू कॉल करो, बुलाओ उन्हू, मैंने उधर हॉस्पिटल लैके जाओ। मस्कीन जी की कहते पे ने, वो कहते पे ने, आपकी औद निदान बने अति रण में तब जूझ मरो। वो जूझ के मरे ने, यस गुरु गोबिंद सिंह के सामने जूझ के मरे ने, क्योंकि उस वेले उन्होंने सिमरन चलना शुरू हो गया। हो या बेअंत पुलना बख्श देना मैं दो। अच्छा, सिख संगतां विच एक रीत चल पई लगती है कि कोई होर काम कर देगा, असीं ज़्यादा करके ज़्यादा कुछ भी नहीं करते, जां बाहर खड़े होके नुक्स कढ़दे हां। हर सिख का की ये फर्ज नहीं कि असीं सब गुरु दे संत सिपाही बन के अन्याय का टाकरा करिए? तुसीं ओह संगतां नूं की कहोगे जो किसी पास
ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਟਡ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਵਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਨਾਨਕ ਕਰ। ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚ, ਧਿਆਏਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚ, ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡਾਇੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅ ਕਿਲਰ, ਤਦ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚ, ਧਿਆਏਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੇ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਕਰਮਾਰਾ। Sometimes it appears that people decide to do violence in name of protecting Guru Granth Sahib Ji. Is this fair? Violence is never acceptable. Mere Guru Sahib ne, tujhe dekhoge, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੁਣ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 12 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਓਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵਰੀ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਬਾਈ ਅਵਰ ਗੁਰੂ। We are not oppressor, we are defender. We never create violence. Garibi gada hamari, is aage koi na tike bikari, aisi gada Guru Arjan Dev Ji san dasi hai. So violence is not really a mean. Yes, kripan is the way to defend. Guru Sikhi is way to defend, not to really put anybody down. Maharaj Ranjit time te, kise time te bhi dekh lo, kise bhi duje dharm sthan nu kadi nuksan nahi pahunchaya gaya. Assi apne pyo di raj ke karni hai prashansha, par khyal rakhna hai kise duje de pyo di beizzati na ho jaye. Hoiyan beant beant purna bakhsh dena. Vaheguru Ji ka khalsa, Vaheguru Ji ki.